हर इंसान के जीवन में खुशी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तब उसे कुछ ऐसे विचारों की आवश्यकता होती है जो उनकी खुशी में और चार चांद लगा दे। जिस तरह जीवन में दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह जीवन में खुशियां का भी आना गाना लगा रहते हैं। जिस इंसान के जीवन में खुशी नहीं है, वो चाहे जितना भी दौलतमंद और सेहतमंद क्यों ना हो, उसका जीवन बेकार है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। आपका हमेशा खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों को खुशी की बढ़ावा देते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वो अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितना खुश है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितना लोग खुश है ये महत्वपूर्ण है। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करा सकता है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीजें हैं, अब कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें, तो उसकी असफलता से ना डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करे। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको जरूर कोई समस्या है। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, ये किसी उपयोगी सेवा के फल स्वरूप ही मिलती है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपका पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे बस में जरूर है। मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि
मैं खुद को सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूं। प्रसन्नता शब्द अपना मतलब खो देता है यदि उसे दुख से संतुलित नहीं किया जाए। हमेशा हंसते रहिए, जितना भी परेशानियां हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। थोड़ा सब्र रखिए, खुशियां भी जरूर आएगी।